हमारे बीच नहीं रहा। एक पैरकर सर दोस्त था, वो आपने देखा था। ये देखिए तो कितना कीचड़ वाला रास्ता है, और आपके लिए हम कितनी मेहनत करके इस मुसीबत वाले रास्ते से जाएंगे उस गेट तक। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन अग्निहोत्री ब्लॉग्स। तो गाइज, ये हमारे आर्यन भाई हैं, और ये हमारे विक्रम भाई हैं, और ये तारकेश्वर भाई, सॉरी वरुण भाई हैं। तो नाम मेरा है। हाँ, तो हम यहाँ पर बॉम्बे सर्कस देखने के लिए आए हैं। अभी पीछे बॉम्बे सर्कस है, पूरा दिखाएंगे। तो अभी सबसे पहले टिकट प्राइस बता देते हैं, 300, 200, 100। तो अभी हम 100 वाली टिकट देखेंगे, देखते हैं कितना पीछे और हाँ कितना वो रहता है। तो गाइज आप सुनिए ध्यान से बात, आपके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो कितने कीचड़ वाले रास्ते से होके हम जा रहे हैं। बिल्कुल, बैक कैमरे से अभी हम आपको दिखाते हैं, बैक कैमरे से। ये देखिए तो कितना कीचड़ वाला रास्ता है, और आपके लिए हम कितनी मेहनत करके इस मुसीबत वाले रास्ते से जाएंगे उस गेट तक। बिल्कुल, ये रहा बॉम्बे सर्कस। बॉम्बे तो ये पहली बार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे तारकेश्वर भाई है, हम सभी चारों का पहली बार एक्सपीरियंस है। हम पहली बार इस भयानक कीचड़ से निकल कर नाटक देखने के लिए आए, मतलब सर्कस देखने के लिए आए हैं। अभी हम बॉम्बे सर्कस नहीं आएगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल पता नहीं अभी मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो पूरा सर्कस दिखाएंगे, अभी बैक कैमरा करते हो टिकट प्राइस। तो ये देखिए अभी हम बॉम्बे सर्कस के गेट पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर देखिए पूरा जूते की हालत खराब हो गई है। सर्कस के अंदर क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे सर्कस के अंदर क्या है ऐसा कुछ? मतलब वही लड़के स्टंट लड़कियाँ वो क्या? अच्छा, स्टंट वाला है। तो अभी नहीं ना, तो ये अंदर है, यहाँ पे अभी हम जाएंगे, अभी शो चल रहा है। तो गाइस अभी हम लौट के आ रहे हैं वापस, अंदर नहीं गए, अंदर नहीं गए। टिकट प्राइस गाइस, गाइस सर्कस में अभी झगड़ा चल रहा है, एक जंगली जानवर सर्कस में आ गया है, जिसके कारण ये शो रद्द कर दिया गया है, इसलिए हम अपने घर वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा था, लेकिन क्या करें, सर्कस शो देखने आए थे। अभी पीछे देखिए, तो अभी हम इस कीचड़ से, ये कीचड़ है, अभी हम इस कीचड़ से अपने रूम की तरफ आगे चलते हैं। हमारे बीच नहीं रहा। एक पैरकर सर दोस्त था, वो आपने देखा था स्टार्टिंग के में, वो चला गया छोड़ के, सर्कस देख ले चला गया। नहीं रहा, और पैर खा गया, और उसकी जो पत्नी है वो ये बैठी है। मारो मारो, मर्द मर गए, इनका मर्द मर गए हुए, और इनका ख्याल मुझे रखना होगा। बिल्कुल, जहाँ पे लेडी दिखे ना, हाँ वहाँ पे हल्ला वल्ला नहीं करना, हंसना नहीं। अच्छा अच्छा, और इन लाई बाजे में थोड़ी देर लगेगी बस। अच्छा अच्छा, ये पल पल भाई बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने जो बोला है वो सही बोला। साइड में रोक दीजिए। क्यों? नहीं, हम नहीं जा सकते यार। हाँ तो खड़े हो जाओ, चाय की टपरी पे लगाओ। अबे चाय की टपरी नहीं, हर बार चाय की टपरी। कोई ना, इसकी पट्टी है बहुत, इसकी पट्टी है, हर बात में पट्टी है। बहन के लौड़े अस्मिता में रहता है, फिर भी पट्टी है। अस्मिता के लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको समझाएं इसको। और हेमंत भैया खास करके हमारे जो देख रहे हैं, ये नुक्कड़ बहुत करता है और कैम को झूठ बोलता है। फूफा को चार बार मार चुका, फूफा को चार बार मार चुका है, हर बार फूफा को मार देता है। मतलब फूफा फ्री के समझ रखे, मानते हैं फूफा शादियों में लड़ाई करवाते हैं। इसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार फूफा को नहीं मरे। कितनी बार मरेंगे फूफा, कितनी बार, अभी कितनी बार मरेंगे फूफा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो देखते हैं। झुनझुनी रिपोर्टर के साथ गुलगुलू और सुलफुलू। बिल्कुल, अभी हमारे हरियाणा के अंदर पलवल विधानसभा में नुक्कड़ नाटक चल रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ के रोड दिखा रहे हैं, एकदम शिमला जैसा लग रहा है। देखिए ये NH हाईवे है, यहाँ से ये जेवर की तरफ ये हाईवे पूरा जाता है। बिल्कुल, और ये रहा इसके अंदर का, ये गलियाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, सड़कें गड्ढे में भरी पड़ी हैं। समझ में नहीं आता सड़कें गड्ढे में कि गड्ढे सड़क में है। कैसे मेरे टिकटॉक के जाने वालों, तो हम देख रहे हैं अब मेरे भाई, हम गाँव हम गए हुए बहुत गाँव है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपकी बगल में जो दलाल जी बैठे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चावल चावल पर ज्यादा ध्यान देते, चावल चावल चावल। ये तो ये हमारे जो दलाल हैं राहुल सिंह दलाल, ये चावल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो चावल की वजह से ही इनका दिमाग जो है काम नहीं करता है और इनका फटता है, फटती है इनकी बहुत फटती है। अस्मिता वालों से मेरी निवेदन है, मेरा निवेदन है कि प्लीज़ हेमंत भाई, अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो इसका फ़ोटो वायरल कीजिए, मैम को दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।